भाई यहाँ पे पूरा ट्रिपलिंग फुल ऑन होते हुए। ओह माय गॉड, वाह। फ्राइडे में भी आओगे ना इधर तो यार क्या बहुत बढ़िया। और देखो भाई ये देखो भाई ये देखो, वाह ये है यहाँ का देखो। सो गुड आफ्टरनून दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। तो यार स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो यार अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं शादी में, एक गांव की आज शादी है तो उसमें जा रहे हैं यार। तो सोचा यार चलो मोटो ब्लॉगिंग वगैरह कर लेंगे और रिएक्शन वगैरह भी भाई तगड़े देखने को मिलेंगे अपने को, तो इसलिए जा रहे हैं। जस्ट अभी भाई निकले थोड़ी देर पहले, जाम जूम लग गया उधर, तो भाई मैंने फिर कैमरा ऑन करा ही नहीं। तो अभी भाई कैमरे में भी थोड़ी सी बैटरी कम है तो चार्जिंग पे लगाएंगे अभी थोड़ी देर में। आफ्टर दैट भाई थोड़ा सा देखो तुम्हें सीन दिखाते हैं। तो अपने करूले का ये करूला भाई जगह, अभी बस फ्लाईओवर से उतर गए हम यहाँ पे। और भाई देखना यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं। एक अगर मेरी रील आपने देखी होगी ना, शॉर्ट है तो बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा था ना भाई, अभी कह रहा था जस्ट कि अभी भाई बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चलाते हैं यहाँ पे, देखना भाई क्या क्या सीन है। तो यही वाला सीन है भाई, बहुत तगड़े तगड़े हैं भाई। मेरी एक आपने शॉर्ट भी देखी होगी तो वहाँ पे भी उसमें भी है, बढ़िया सा है वहाँ पे भी। एक गलियाँ हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे बनी हुई, तो वहां से भाई निकलते हैं अंधे लोग बिल्कुल तगड़ा। मुझे कुछ दिखाई नहीं देना A few moments later. अब भाई रिएक्शन आते हुए थोड़े। और इधर साइड यार जाम ही रहता है हर समय, बहुत ज्यादा जाम रहता है, मतलब आप फ्रीली नहीं चला पाओगे। फ्राइडे में भी आओगे ना इधर तो यार। Here I come. फ्राइडे में भी आओगे ना इधर तो यार। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। यार यहाँ पे जो है ना आना बिल्कुल जस्ट टच हो जाती था तो मैं इसकी बजा देता था तुमसे। कंट्रोल यहाँ आना। और देखो भाई ये देखो भाई ये देखो नमूने देखो भाई यहाँ के, आप बहुत बढ़िया बढ़िया नमूने आते हैं यहाँ पे तगड़े तगड़े एकदम। बेस्ट तो नहीं कहोगे वो ना, लेकिन है नमूने तो है भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो ये इन्होंने यहाँ रोक दी भाई, बहुत बढ़िया, हम तो निकले ही ना। वाह, ये जी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। देख रहा भाई सीधे चल रहा है, घुसेड़ देते हैं बस। ये है यहाँ का देखो, ये है यहाँ का। डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने बाप की जेब में से 1000 रुपए चोरी करके लाया हूँ और बिल्कुल तुम्हारे तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे भी मनाऊंगा। तुम मेरा मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर इंतजार करो। हाँ हाँ, इतने तुम 3-4 लड़कों से और मिल लो, जब मैं आ जाऊंगा तब तुम मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाना। देखो भाई देखो, यहाँ यही मिलेगा आपको। और ये समझदार थे थोड़े, रुक गए। यहाँ यही मिलेगा भाई, क्योंकि यार तुम लोगों के भाई ने भी यार जॉब वगैरह करी थी उस टाइम, तो थोड़ा सा इधर आना जाना था अपना, तो इसलिए पता है अपने को। बाकी यार इधर से कोई ज़्यादा आना नहीं चाहता, अगर यहाँ पे ना मेरे को पापा को लेना था यहाँ से, तो इसलिए हम लोग इधर साइड से आए ना। तो अगर मैं घर से आता तो सीधा यार RTO की साइड से होके आता, RTO रोड से जो ट्रांसपोर्ट नगर है उधर साइड से होके आता भाई। और ये सारी चीज़ें बखटैट लोग नहीं मिलते भाई यहाँ पे, है ना मेरे को। और भाई देखो बच्चा का देखो भाई स्टाइल देखो आप यार, ओ माय गॉड। आलम जानम आलम का मतलब ना गुलाब का फूल करना। हां लो भाई देखो, ओ माय गॉड वाह। भाई देखो मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा, और नहीं होगा
तो रोड पे जाके जितने मर्जी हल चला लो, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कहाँ कहाँ से चल रहे हैं लोग, कहाँ कहाँ निकल रहे हैं लोग। ये बहुत बढ़िया जी, मिरर में अभी कोई दगर दिखा होगा ना क्या। बहुत बढ़िया। भाई साहब मैं कह रहा था ना, मतलब कि यहाँ आना जोखिम भरा रहता है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे थोड़ी सी यार राहत मिली, क्योंकि यहाँ पे जो है ना गलियाँ बंद हो गई। यहाँ पे अब एक दो तीन चार वाली होती ना गलियाँ साइड वाली, वो बंद हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको देखने को। यार कैसा लगा मेरा मजाक? और ये आ गया भाई कोहिनूर तिराहा सामने मेरे बिल्कुल जस्ट। और यहाँ पे भी भाई काफी बड़े वाहन चलते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्ट वाली चीजें हैं ज्यादा। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह तो लग गई है भाई, लेकिन स्टिल काम अभी उन पे चालू है, नहीं चालू नहीं हुई है, मतलब इस वाले चौराहे इस वाले तिराहे की तो नहीं हुई है। अरे कहना क्या चाहते हो? इस वाले तिराहे की तो नहीं हुई है, बाकी थोड़ा सा भी आ जाके सांस आई है थोड़ी अच्छी सी। उधर तो भाई बहुत ज्यादा तंबू हुआ रहता है, लेवल सबके निकले। ये आने का भी थोड़ा भाई मजा नहीं आता इधर साइड से। तो हम लोग अगर आते डायरेक्टली घर से, तो हम लोग आते सीधा आरटीओ होके, ट्रांसपोर्ट नगर होके, और वहाँ पे जाम जूम भी नहीं लगता, और भाई थोड़े से सोफिस्टिकेटेड ही है वहाँ पे लोग, ऐसे तो नहीं निकलते कम से कम थोड़ा सा। मैं लोगों को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन स्टिल भाई वो वाली चीज है ना, अंधाधुंध क्यों चल रहे हो? मेरी वीडियो में दिख गया होगा, वो तो दिख जाएगा आगे, वो वाली चीज है। हर एक तो नहीं है, लेकिन भाई वही वाली बात है, 100 में से कुछ तो है ना। जैसे ये वाले अंकल है, ये रुक गए, फिर देख के देखो मल्टी करिए, तब जाके ये साइड को हुए हैं। तो भाई अभी जो हम रोड से जा रहे हैं, वो जा रहे हैं भाई बिलारी वाले रोड से सीधा कुंदरकी तक जाएंगे, फिर कुंदरकी से हम लोग राइट या लेफ्ट हो जाएंगे। प्रॉपर रास्ता जो है वो ये वाला नया रास्ता है, तो मैं पहले से गया नहीं हूँ भाई, तो पापा मेरे को बताएंगे भाई किधर से क्या दिन जाना है। और ये भाई कामन नदी आने वाली है, और सीधा तो चलो जा सकते हैं भाई। सर्विस कराने आए थे गाड़ी की, तो इस वाले रोड से आए थे। देखो भाई यहाँ पे सारी चीजें हैं, 1941 बदायूं, अलीगढ़, आगरा, संभल, भाई सारे रोड वो ये जाता है रास्ता। और भाई अभी राइट नाउ जो हम फ्लाईओवर पे हैं वो गांगन नदी उसके जस्ट नीचे है, और हम उस वाले फ्लाईओवर के ऊपर हैं, और हम लोग भाई सीधा जाएंगे संभल के लिए। अगर जाना होता तो भाई हम लोग राइट को मुड़ जाते, बट अपने को जाना सीधा। सीधा सीधा और भाई यहाँ पे पूरा ट्रिपलिंग फुल ऑन होते हुए हेलमेट लगा रखा है भाई, पालन तो कर रहा है, लेकिन स्टिल वो वाली बात है, ये तीसरे बंदा भी तो बैठा है यार। ये करते हैं यहीं पे एंड, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, नए हो तो सब्सक्राइब कर।